हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्वीन वैष्णवी FSM। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब कहीं दिखाया नहीं, बाहर का नहीं दिखाया, मतलब कहीं मतलब ब्लॉग ऐसा कैसा स्टार्टिंग करी है घर में बैठ के। तो गाइज, आप लोगों को बता दें, इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है कि मतलब कहाँ बताऊँ मैं, इस टाइम बहुत प्रॉब्लम चल रही है। हमें फंसा दो गो है कि हम ना इतना के हैं ना उतना के हैं, कि तो हैं ना हम इस टाइम बीच बीच, जैसे बीच में नाव ना फंस जाती है बहती नदी में, ऐसे फंसे हुए हैं ना। हम इतना के हो रहे हैं ना इतना के हो रहे हैं, बिल्कुल अच्छा ना लग रहा हो। अब तो ज़िंदगी जीनो ही बेकार है। मतलब हमारी शादी को सिर्फ 5 दिन बहे और 5 दिन बाद हमारे ऊपर FIR लिखा दी। मैंने जिनके संग भला करो, लोगों ने मेरे साथ हमेशा बुरा ही करा। मैंने जिसके साथ अच्छा करा, सबने मेरे साथ बुरा करा। मेरी फैमिली बहुत परेशान है, मेरे पापा, मेरे भैया, मेरे ससुराल वाले, मेरे ससुर जी, मेरी सास, मेरे हस्बैंड, सब लोग बहुत परेशान हैं। दोनों फैमिली परेशान है हमारी। हमारे ऊपर FIR करा दी, हम लोग इधर से उधर भागे भागे फिर रहे हैं और कोई सपोर्ट के लिए ना है बिल्कुल भी। हम लोगों को ऐसे कर दो कि हमारा कोई है ही ना, लोग बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हम लोगों के लिए। हम लोग कहाँ जाए, मेरा भैया नाबालिग है और मेरे एक फुफेरे भैया हैं, उनका भी कोई हाथ नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोगों को फंसा दिया गया। मनु चली गई, मनु के घर वाले हैं ना, उन लोगों ने हमारे खिलाफ़ FIR लिखा दी और हमारे खिलाफ़ FIR लिखा के हमें फंसा दिया गया। और इस टाइम हम लोग इतने परेशान घूम रहे हैं बहुत ज़्यादा, कोई सपोर्ट के लिए ना आए। हम लोग सच में बहुत परेशान हैं, आप लोग बताओ हम क्या करें। तबीयत भी सही ना है बिल्कुल, बुखार ना उतर रहा, इतने दिन से टेंशन के चक्कर में बुखार आ रहा है बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने खुद देखी होगी कि शक्ल कैसी हो रही है, आप लोग देख सकते हो। मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि हम कुछ कह ही नहीं सकते। इस टाइम हम बहुत बीच में फंसे हुए हैं, ना इतना क्यों हो रहा है ना होता क्यों हो रहा है, समझ में ना आ रही है हमारे। मतलब ऐसे समझ लो, जितना हमने यूट्यूब से थोड़ा बहुत पैसा कमाया है, वो सब खर्च हो गए। तैसे होता है भागत 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 भागत, अरे कहीं रुकोगे तो एक दिन को खर्चा हुआ तो कम से कम 500 ले लो, 600 ले लो, खान पीन का खर्चा हो तो बाहर जाओगे। अब तो वो सब खत्म हो गए, हम लोग कहाँ से कर करें कुछ समझ में ना आ रही है। आप ही लोग कुछ सजेशन दो, मान ली कमेंट बॉक्स में बताना। कुछ समझ में ना आ रही है, आपने खुद देखी होगी मेरी वीडियोस भी ना आ पा रही हैं। हम लोगों ने कहाँ से कहाँ, सोचो मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचो कि हम लोगों की शादी हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग वीडियोज़ वगैरह बना पाएंगे अच्छे से, लेकिन फिर भी ना हो रहा है। और मेरे पापा इतने परेशान हैं, मेरे पापा को मतलब डायबिटीज़ है, उसके बाद इतनी मतलब अब वे भी बेचारे इतने परेशान हैं बहुत ज़्यादा। भैया परेशान है, मेरे ससुर जी मतलब बहुत ज़्यादा हम लोगों को इतना वो करते हैं, फिर भी वो भी बेचारे इतने परेशान हैं। मतलब मेरी मम्मी है जो घर पे, वो भी बहुत परेशान है, सब लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना हो पा रहा। आप लोग बताओ कैसे सब कुछ होगा। हम लोगों को तो बीच में फंसा दिया गया है बिल्कुल, और कोई सपोर्ट के लिए ना है। सब ऐसी वैसी कमेंटें कर रहे हैं, हमें गलत समझ रहे हैं, लेकिन हम क्या करें। आप लोग बताओ खुद ही। आपको पूरी पूरी बात बता दी, हमने एक वीडियो भी डाली थी तो उसमें मतलब वीडियो में हम लोगों ने सब कुछ दिखाया था सबूत के तौर पे कि हमें कुछ नहीं पता था मनु के बारे में, लेकिन फिर भी हमें फंसाया गया दोबारा बेफालतू में। अब भी हमें फंसाया जा रहा है, लेकिन मनु के पापा बोलते हैं कि मैं गलत हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। मैं क्यों गलत करूंगी, जब तक मैं उनकी लड़की को पैसे कमा रही थी, मैं उनकी लड़की को मतलब उठा रही थी, मैं उनकी लड़की को सपोर्ट कर रही थी, तब तक मैं अच्छी थी। अब मैं गलत हो गई, अब उनकी निगाह में मैं गलत हूँ। मैंने कुछ भी उसे कभी गलत संस्कार नहीं दिए। मेरे साथ कोई लड़की आई काम करने को, मैंने कभी भी किसी लड़की को गलत संस्कार नहीं दिए, लेकिन फिर भी मेरे नहीं इतने गलत गलत कहे जा रहे हैं। मेरे पापा से पूछ ले, खुद मेरे पापा को पता है, मेरे पापा हमेशा साथ रहते मेरे सूट पे, मेरी वीडियो सूट हो करती, मेरे पापा हमेशा साथ रहते हैं, अंश तो हमेशा साथ रहता है, मेरे भैया 24 घंटा मेरे साथ रहा हुआ है, आज तक साथ रहा हुआ है मेरे। उससे पूछ लो मैंने किसी लड़की से गलत कही हो या किसी लड़के से गलत कही हो। हमारे टीम वाले भी हमारा साथ छोड़ गए हैं,
मतलब हमारी टीम में इतनी बड़ी टीम देखी होगी आप लोगों ने, बनाई क्वीन वैष्णवी पे वीडियो पड़ती तो कितनी बड़ी टीम ही हमारी, मतलब बहुत बड़े सब लोग हमारे साथ हम वीडियो बनाओ करते। अब तो उन्होंने हमारे साथ छोड़ दो, क्योंकि हम इस टाइम फंसे हुए हैं ना FIR में। लोग काव करते कि जान दे देंगे दीदी तुम मान लेंगे। अब कहाँ गए तुम सब, अब तुम एक लोग कॉल ना कर रहे हो, एक भी किसी ने मतलब हमारी टीम मेंबर ने किसी ने कॉल ना करी अभी तक, सब साथ छोड़ गए हमारो। जब परेशानी में फंसो तो कोई अपनो ना हो, तो ये बात सच है, और आप लोग साथ छोड़ रहे हो। आप लोग तो साथ ना छोड़ो, इस टाइम हम बहुत परेशानी में फंसे भाई। हम लोगों को इंसाफ ना मिल रहा है, हम लोगों को सबको फंसा दो गोपाल तू मैं। जब तक मनु अपने पैसे कमा कमा के दे रही घर में, तब तक मनु अच्छी अपने घर बाहर निकल रही। जब माँ ने पैसा कमाना बंद कर दिया, टिक्की ऐप बंद हो गई, तो वो अपने घर बाहर निकलने काम बुरी हो गई, तो बेचारी चली गई घर में से। बाको टॉर्चर करने लगे घर में, चली गई तो इतनी प्रॉब्लम हो रही है, और हमारी इतनी प्रॉब्लम हो रही है। हमें बसाए दो गो पालतू, हमारी शादी को 5 दिन भाई हम तो घूम रहे, तुम लोगों ने खुद देखो होगा हमें क्या मतलब हो का उसे, हम तो घूम रहे अच्छे खासे कोसे। हम वीडियो बनाने कितनी सोची हमने कि शादी के बाद ऐसे सोचे सब वीडियो वीडियो बनेंगे, हमारी सब वीडियो वीडियो बन देंगे, सब करियर बर्बाद कर दो इनने। मेरे 4 साल की मेहनत बर्बाद होगी, मैंने 4 साल तक मेहनत करी सब बर्बाद कर दी इनने हमारी मेहनत। हम लोगों ने इतना सब कुछ सोचा था कि मतलब हम क्या से क्या करेंगे, फिर हमारी 4 साल की मेहनत सब बर्बाद कर दी इनके पापा ने। 4 साल से मैं इतनी मेहनत कर रही अपनी सोशल मीडिया पर, बहुत बर्बाद कर दी मैंने। तो वहाँ पे लोग बताओ हम लोग क्या करें, कमेंट में कुछ सजेशन दियो कि हम क्या करें, हम लोगों को क्या करना चाहिए आप लोग बताइयो कमेंट में।